सब गाइस, तो आपको आज मैं दो वीडियो एक ही में बनाया हूँ। फर्स्ट हाफ में जैसे हम लोग बात करेंगे हाउ टू डील विथ कैंपर्स, और सेकंड हाफ में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स में क्या स्ट्रैट्स रखने चाहिए कोई भी गेम के लिए, पर्टिकुलरली कोई भी गेम जो 5v5 ट्रेडिशनल डिफ्यूज मोड होते हैं उस हिसाब से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन विद 1 मिनट मिलेंगे, गिव अवे होते हैं, स्ट्रीम होते हैं और काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम लोग देते हैं। एवरीथिंग मिला मिलू करके हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों को बेसिकली ट्रबल हो रहा है कैंपर्स के अगेंस्ट, कैंप करते लोग लाइक सिटी साइड या टी साइड, कोई भी कैंप कर सकता है एनी वेयर। इट्स अ गेम ऑफ ट्रेडिशनल गेम है ये, आपको एंगल्स होल्डिंग एंड ऑल सब चीज़ का प्रॉब्लम वो फेस होते हैं, जिसमें कैंपर्स का रोल कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक कैंपिंग करते हैं लोग, सो इट्स एंगल पे कैंप हो सकता है, कहीं भी कैंप हो सकता है, लाइक आपको फुटस्टेप नहीं देंगे वो लोग। कैंपर से डील करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है आपको अपना रिफ्लेक्स बनाना होगा, जो TDM वगैरह खेल के आपको मिल सकता है, आपको एक्सपीरियंस से वो मिल सकता है। रिफ्लेक्स एम वो एक तरीका है, बिकॉज आप हर एक एंगल चेक कर लिए, एंगल चेक किए हो, सारे एंगल चेक किए हो मैप के, आपको मैप अच्छे से मालूम है, एंगल्स चेक कर लिए हो। एंगल्स चेक करने के बाद आपको दिखता है कि आपका वो एंगल्स क्लियर है, आप गए प्लांट किए, प्लांट करने के टाइम पे वो आया, जैसे ही प्लांट हुआ वो आपके सामने आया, आपका रिफ्लेक्स आपका एम ही आपको बचा सकता है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर एंगल्स पे कैंप नहीं है तो, इफ एंगल्स पे कैंप है तो आप प्री फायर अपना मेडिटेट, आपको मालूम होना चाहिए कौन से एंगल्स नॉर्मल बेसिक प्लेयर्स होल्ड करते हैं। हर रैंक के टाइप से अलग अलग होते हैं, लाइक आयरन, इफ़ वी टेक आयरन रैंक ब्रोंज या आपका सिल्वर, वो आपका एंगल्स होल्ड नहीं करेंगे ज़्यादा, वो आपका अन अन मतलब एकदम जो नॉन एंगल एंगल्स होंगे वो सबको होल्ड करते हैं। मतलब आपका मैप का वो इंटीरियर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, कौन सा एंगल होता है और कौन सा एंगल नहीं होता है पीकिंग का, तो नॉन पीकिंग एंगल्स वो लोग होल्ड करते हैं। दैट्स द पॉइंट व्हेन यू कैन यूटिलाइज योर गेम सेंस। गेम सेंस एक चीज़ जो आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ मिलता है, किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, कोई वीडियोस देख के करते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका मैप में कितना एक्सपीरियंस, आपका एम कितना अच्छा है डील करने के लिए कैंपर्स से। कैंपर्स को डील करने के तरीके काफ़ी अलग अलग होते हैं। कैंपिंग रीजंस होते हैं कि लोग कैंप इसलिए करते हैं कि वो लोग आपको नाइफ कर सकें, एक रीज़न होता है नाइफ, एक रीज़न होता है वो लोग अपना लोकेशन नहीं देना चाहते हैं, एक होता है वो लोग इजी किल लेना चाहते हैं, ट्रिगर डिसिप्लिन बोल के उनमें नहीं है, तो इफ इन अ फॉलो अप आपके साथ कोई है तो वो चल ट्रेड मैं किल मारो लेगा, ये फायर ही नहीं करता यार, ये तो एक आगे होता बढ़ है मेन जाए मेंटालिटी आपकी कैंपस की, आपको समझना होगा। अगर कैंपस को आपको डिफीट करना है, कैंपस को डिफीट करने के लिए आपको कैंपस की तरह सोचना पड़ता है, यू हैव टू थिंक लाइक कैंपस, आपको खुद एक कैंपर बनना होगा। लाइक यू डोंट नीड टू कैंप, यू आर रशिंग बट यू नो वेयर अ कैंपर होल्ड्स, आप कैंपर को जानते हो, उसके माइंड के अंदर हो, ऑपोजिशन के आप माइंड रीड कर पा रहे हो, उसका कौन सा ट्रिक वो कब करेगा, ये सब गेम सेंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। क्रिकेट का या फुटबॉल का मैदान तो है नहीं कि हम लोग उस ऑपोजिशन माइंड रीड बोले, बट गेम सेंस, इसका एक वर्ड होता है गेम सेंस। तो आपको अगर डिफ़िकल्टीज हो रही है कैंपर्स के अगेंस्ट, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपना गेम सेंस को और अच्छा करें। इसका तरीका है एम, रिफ्लेक्स, मैप का इंटीरियर जानना, और आपको रैंक मैच खेलना है विद द पीपल यू नो। सोलो क्यू कर के कोई फ़ायदा नहीं है, या सोलो क्यू करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लाइक आपका ट्रेड फॉलोअप में कोई रहे कि वो ट्रेड ले सके। दीज आर द इजीएस्ट वेज आप कैंपर से डील कर सकते हो। अब हम लोग आगे स्टेप अप करते हैं, अब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में जाते हैं, किस रैंक के हिसाब से आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। अगर आप अनरैंक्ड है तो आपको ये सोचना चाहिए आप अपना रैंक खोल रहे हैं। आपका रैंक कैसे खुलेगा, 10 मैचेस होते हैं आपका रैंक खुलने के लिए, आपके
कितना मैच एक स्ट्रीक में जीत रहे हैं उस हिसाब से आपकी रैंक ऊपर की तरफ डिटरमाइन होती है, ये सब आपको मालूम ही होगा। सो अनरैंक्ड में आपको कुछ नहीं है, अनरैंक्ड में आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको आपका देखना होगा आपके टीममेट्स कैसे हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करके चलो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अपना सेल्फ एम सेल्फ बिलीव पे चलना होगा, टीम के बारे में नहीं सोचना होगा, बेट नहीं करने का है, मेन बात है आपको बेट नहीं करना है, आपको सेल्फ बिलीव रखना है, अपनी टीम पे बिलीव नहीं रखना है, बट बेट नहीं करना है उनको। आयरन रैंक आ जाते हैं, कुछ कुछ गेम में आयरन होते हैं, जैसे वैलोरेंट में आयरन हो गए, क्रिटिकल ओपीएस में आयरन हो गए, बट आपका उसमें सीएसगो में ब्रोंज आयरन नहीं होते हैं। सो फर्स्ट आयरन का बात करते हैं, तो आयरन के उसके लिए आपको अपना एम सुधारना है, आप एम सुधार लिए, आपका पर किल दो किल, अगर आपका पर राउंड दो किल, ओके पर राउंड दो किल करते हो मोर देन इनफ है आपके लिए, इजीली आप राउंड ले सकते हो विथ टफ स्ट्राइक, तो उसके लिए CDM गन गेम और डिफरेंट डिफरेंट मोड्स जो भी है, सर्वर्स जो भी है, कस्टम गेम्स कस्टम रूम्स वो सब खेलो, जिसमें आपका रैंक का आपको चिंता नहीं है, अपने KD का चिंता नहीं है, अपने किसी चीज़ का चिंता नहीं है, आपको KD के लिए कोई खेलता नहीं है, गेम KD के लिए होता नहीं है, बट किसी किसी का मेंटालिटी होता है कि KD अच्छी रखनी है टॉप फ्रैक करने, तो उनके लिए ये अब सेकंड पॉइंट ब्रोंज, लेट्स टेक द ब्रोंज रैंक नाउ। ब्रोंज रैंक के लिए भी आपको ऑलमोस्ट आयरन रैंक की तरह खेलना है, इसमें टीममेट्स आपको थोड़े सपोर्टिव मिलेंगे, थोड़े बात सुनने वाले मिलेंगे, बट कैंपर्स मिलेंगे, योर टीममेट विल बी कैंपिंग, दे वोंट रश ब्लाइंडली, जैसे आयरन ब्लाइंड रश करता है नॉट इवन चेकिंग एंगल्स, ब्रोंज में आपका कैंप शुरू हो जाता है, बहुत रेयर ऐसे पीपल होते हैं जो हाई रैंक होंगे डिग्रेड हो गए होंगे, वो लोग एंगल्स होल्ड करते हैं, वो बहुत लक का बात है, बट कैंप होता है, तो सो कैंपर लोग का जो वीडियो था कैंपर्स कैसे बचना है, आपके टीम को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो वीडियो आपका जो स्टार्टिंग में था उससे आपको ब्रोंज रैंक में हेल्प मिल गई। सिल्वर आता है, सिल्वर में टीममेट्स एंगल देखने लगते हैं, दे थिंक दे आर प्रोस बट दे आर नॉट प्रोस, उनका एम अच्छा नहीं होता है इसलिए वो लोग सिल्वर हैं। ब्रोंज आयरन में भी एम अच्छा नहीं होता, उनका तो एम अच्छा होगा भी तो वो लोग ब्लाइंड रश करते, ये प्रॉब्लम्स देखी गई है। अब सेकेंडली ब्रोंज हो गया आपका, आयरन हो गया, सिल्वर के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव है ट्रेड किल्स, सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव है ट्रेड किल्स एंट्री फ्रैग, ये दो चीज़ है जो हर एक प्लेयर को अपने दिमाग में डाल के रखना होता है, दैट इज़ द ओनली पॉइंट हियर। गोल्ड आपका गोल्ड, उसके आगे आपके जो भी आगे की रैंक होती है, गोल्ड के आगे की रैंक, उसके लिए एक अलग ही हम बताएगा, आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा वो वीडियो, सेकंड पार्ट हम आपको देंगे आफ्टर सम टाइम, इस पार्ट में सिर्फ गोल्ड तक की बात होगी। सो लास्ट रैंक गोल्ड, जो गोल्ड रैंक है उसमें आपके जो टीममेट्स हैं उनके एम अच्छे हैं, बूस्टेड आपको प्लेयर्स मिलेंगे ज़रूर, बट आपको बेसिकली गुड प्लेयर्स मिलेंगे, सब लोग बूस्ट नहीं होते हैं, जो गुड प्लेयर्स मिलेंगे एंगल्स होल्ड करते हैं, सो इट विल बी इंट्रीगेटिंग कॉन्टेस्ट, बहुत इंट्रिंगी कॉन्टेस्ट होने वाला है, वो कॉन्टेस्ट आपका एकदम अच्छा एकदम प्रोफेशनल मैच जैसा होता है, बट इट्स नॉट प्रोफेशनल, प्लेयर्स आर नॉट गुड, उनका भी मिस्टेक्स होती है एम में। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड के ऊपर की रैंक, जो आपका प्लैटिनम हो गया या किसी गेम में आपका मास्टर गार्डियन हो जाते हैं, MG DMG लेजेंडरी गर्ल्स, ये सब और कोई भी स्पेशल ओपीएस ग्लोबल एलीट, जो भी और रैंक्स होती है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की, तो गोल्ड के ऊपर की रैंक्स की बात होगी नेक्स्ट गेम में, नेक्स्ट वीडियो में, गेम में नहीं, सॉरी माई फॉल्ट, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आज कोई स्ट्रीम नहीं हुई थी तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है, आज स्ट्रीम नहीं हुई, सॉरी गाइस, आज स्ट्रीम नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला, बट नेवर माइंड, कल हम लोग वापस से स्ट्रीम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने टीममेट्स में जिनको आप चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट आपके टीममेट जो यूट्यूबर्स हैं उनको अगर कोई यूट्यूब ट्रिक चाहिए तो वो मेरे स्ट्रीम पे आके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं यूट्यूब ट्रिक्स भी देता हूँ,
ओनली इफ पीपल आस्क मी टू, नहीं तो मैं उतना वो सब नहीं करता हूँ. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जरूर से. थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे.